क्या फिल्टर ऐसा कोई बात नहीं, अरे चांस है नहीं है। जल्दी आना, टोपोग्राफी हम पढ़ा दिए थे सर, टोपोग्राफी पढ़ा दिए थे। आज उसके अंदर चलना था क्या, भूमि भूमिगत जल का निर्मित असंकृतियां पढ़ा दिए इससे। आज चल रहा है वो भूगर्भ विज्ञान, क्या पढ़ना, जियोलॉजी। क्या बो, इसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, किसमें बो, भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है, आप लोग जब बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए नोट डाउन कीजिएगा, जब नहीं बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए नहीं कीजिएगा, बोलेंगे लिखने के लिए लिखिएगा, नहीं लिखने के लिए बोलेंगे तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, जब सुनने के लिए बोले तो सुनिएगा। ठीक है, देखिए सुनिए बहु, यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी क्या अप्रत्यक्ष रूप से देती है बहु, एक होता है वो प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से एगो अप्रत्यक्ष रूप से, एगो होता है बहु 100% श्योर है, एगो 100% श्योर नहीं है। भूगर्भ विज्ञान को जो भी जानकारी प्राप्त करें क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहलाता है, भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं या अध्ययन प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत, भूगर्भ चल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, किसमें मिलता है, भूगर्भ विज्ञान में मिलता है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला तापमान घनत्व दोनों बढ़ता है वो पृथ्वी के अंदर, वो देखिए देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं तो ये अंदर हुआ, क्या हुआ, आप अगर यहाँ है तो क्या हुआ, वो ये अंदर हो रहा। ठीक है, इसके अंदर क्या बढ़ता है, वो ताप भी बढ़ता है और क्या बढ़ता है, वो घनत्व भी बढ़ता है। ताप और घनत्व दोनों क्या होता है, बढ़ता है। तुमसे पूछा जाएगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बाद वो क्या क्या बढ़ता है, ताप और घनत्व दोनों बढ़ता है, ये को दे देगा बढ़ता है घटता है, तो आप लोग कंफ्यूजन मार दीजिएगा। अंदर गेला बाद दोनों क्या बढ़ता है, वो बढ़ता है। ठीक है, 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर डिग्री क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब 32 मीटर के रेंज के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो टेम्परेचर 1 डिग्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम क्या दिया था, एडवर्ड स्वेक्स ने दिया था। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी क्या दिया था, एडवर्ड स्वेक्स ने सबसे पहला जानकारी क्या दिया था, वो एडवर्ड स्वेक्स ने दिया था। सबसे पहले क्या दिया, वो एडवर्ड स्वेक्स ने दिया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, एडवर्ड स्वेक्स ने दिया था। उन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा था, तीन भाग में बांटा था। क्या था बांटा, वो तीन भागों में, ये जो पृथ्वी को है वो, ये जो पृथ्वी को कितना भाग बांटा था, वो तीन भागों में। ठीक है, कोई दिक्कत, सीमा क्या बो, दूसरा बो निफा, तीसरा बहु सिया, सब एक ही है नाम, हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश लिख दीजिए, चाहे आगे लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए, उससे कोई मतलब आप लोग को नहीं, कोई दिक्कत। आप लोग कह रहा सिया लिखा, लिख दे, लिख दीजिए सिया। गलत लिख दीजिए सिया, ठीक है ना, ठीक है, सीमा सियाल निफे, कोई दिक्कत। देखिए वो एडवर्ड स्वेक्स ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भाग में बांटा, तीन भाग में बांटा, कोई दिक्कत। ये सबके रेंज भी होगा, पहले देखिए भाग बांटा होगा किस आधार पर, कोई आधार भी बांटा होगा, बंटवारा के आधार भी होता है, जैसे कि आप दो भाई हैं उनका भी बंटवारा किस आधार पे होता है, किसी कारण से होता है। कभी सुनिए चार भाई कमा रहा है, आज बंटवारा हो रहा है उसके घर के, चांस ही नहीं है, काहे बंटवारा होगा, भाई 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 का प्यार, भाई बहन का प्यार, जैसे उसमें एक लड़की ना, सॉरी लड़की आ गई तो बंटवारा तय है। ठीक है, पहला देखिए क्या बो, सियाल क्या बो, एक नंबर में क्या है ये सियाल, दो नंबर बो, जो भी एक नंबर दो नंबर बांट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनिए बो, सियाल यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत,
पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या है? सियाल है। के बांटा इसको? एडवर्ड स्वेक्स ने, ठीक है। सबसे बाहरी परत को इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की रेंज। बहु देखिए इसका रेंज क्या है बहु, 50 से 300 किलोमीटर तक रेंज है, ठीक है। और इसमें क्या चीज पाया जाता है बहु, एल्युमिनियम की, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। कोई दिक्कत? इसका रेंज क्या है वो, 50 से 3 किलोमीटर की। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को सियाल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक ले? एंड पढ़ा रहे तो बोर्ड तरफ फोकस कीजिए, वहां टंकी नहीं करते रहिए। आप लोग सामने देखिए, क्लास में दो चीज हमेशा लुक होना चाहिए। कोई डाउट है पूछिए, अभी हम पूछ देंगे तो आप लोग घबरा जाइएगा। इससे बड़ी क्लास आते हैं करने के लिए, सिर्फ क्लास तरफ देखिए, समझे? मैं वो ढीला निकाल रही है, जा पीछे बैठिए, ठीक है। और स्टूडेंट का पहला एक्टिविटी होता है कि हाथ डेस्क पे होना चाहिए, 80 साल डेस्क पे। वो स्टूडेंट नहीं, देखिए तो पेशा स्टूडेंट नहीं है। एक्टिविटी आप लोग का स्टूडेंट के अंदर कमियां है, ठीक है। तो पूछिए प्रॉब्लम कि भैया कैसे होता है, नहीं होता, हाँ होता, ठीक है। अभी पूछ देंगे कि वो बताइए इसमें क्या चीज अधिकता होती है, सिर्फ एल्युमिनियम सिलिकॉन कहाँ गया? तो फिर आप लोग क्लास में ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें सियाल का वो रेंज, रेंज क्या होता है? 50 से सबसे बाहरी परत है। रेंज का हिंदी क्या होता है दीपा? दो चार दिन हो गए। रेंज को बोलते हैं परास, ठीक है। परास को क्षमता भी बोल सकते, कहां कितना दूरी तक ले जा सकता है, ठीक है। इसका कितना है वो, 50 से 300 किलोमीटर तक ले उसका समझिए दायरा है, रेंज है, ठीक है। और उसको पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। अब एडवर्ड स्वेक्स ने इसका पहला परत इसका किया था, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। कोई दिक्कत? रासायनिक रूप से यह अम्लीय होता है, इसमें महाद्वीप महासागरीय स्थित होता है, इसमें वो ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता होता है। वो एक कैसा होता है वो, अम्लीय होता है। क्या होता है वो? अम्लीय होता है, महाद्वीप और महासागरीय में होता है। कोई दिक्कत? अभी हम गोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आंसर लिखाएंगे आपको सारा सारा लिखा देंगे। कोई दिक्कत? महासागर में से वो ग्रेनाइट चट्टाने किसमें? सीमा में, सीमा में क्या वो सियाल में पा रहे हैं, सियाल में पा रहे हैं। अरे ठीक है, सियाल है, ठीक है। कोई दिक्कत? सियाल का भी समझ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? सबसे बाहरी परत है बोल रहे थे कुछ चाल से कुछ, ठीक है। एल्युमिनियम सिलिकॉन 50 से 300 सबसे बाहरी परत, महासागरीय, रासायनिक रूप से कैसा होता है वो, अम्लीय होता। ग्रेनाइट चट्टाने किसे वो, इसी में। कोई दिक्कत? सियाल में। क्लियर है अगले? फर्स्ट टॉपिक क्लियर। दूसरा आते वो क्या था वो, सीमा क्या थे वो, देखिए यहां तक बताते हैं। सीमा इसका रेंज क्या होगा, वो क्या होगा इसका रेंज बताइए आप लोग, 1000 से 2000 किलोमीटर। कितना वो? 1000 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। चलिए पृथ्वी की मध्य भाग, मध्य में भी है, पृथ्वी के मध्य भाग में है, इसका रेंज क्या होता है वो, तो दिक्कत? क्लियर है तक में? इसमें क्या चीज क्या दिखता है, ये सब पढ़ाया हुआ है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसमें वो कितना चीज अधिकता, वो दो चीज के सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है वो। कोई दिक्कत? इसमें वो इसके दौरान वो मैग्मा निकलता है, इसे क्या निकलता है वो, मैग्मा, ठीक है। रासायनिक रूप से या क्षारीय है वो ज्वालामुखी के दौरान इसी से मैग्मा निकलता है। जब ज्वालामुखी फूटता है वो, तो मैग्मा किससे निकलता है, सीमा से निकलता है। सीमा का रेंज क्या होता है, 1000 से 2000 तक। अभी और हम सही से पढ़ाएंगे, अभी एग्जाम्पल अभी लिए नहीं, थॉटली रूप से भी बुक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी थॉटली रूप से क्या पढ़ा रहे हैं, बुक पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग को लिखाएंगे, फिर एक बार रीडिंग आउट करवाएंगे, फिर आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग को बेहतर समझा देंगे, ठीक है। क्या वो, इससे वो ज्वालामुखी इसमें पड़ता है वो, इसी के द्वारा मैग्मा निकलता है। कोई दिक्कत? इसका रेंज क्या है, 1000 से 2000 के बीच में होता है वो। कोई दिक्कत? इसकी गहराई 1000 से 2000 के बीच में मिलता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो नीचे, इसका रेंज क्या होता है वो, यह पृथ्वी की आंतरिक पे है, क्या वो सबसे
आंतरिक परत जो जल अवस्था में था, क्या बहुत तरल अवस्था में, जल तरल अवस्था में था, सबसे भीतर यह परत, ठीक है, आंतरिक कोई दिक्कत, ये सबसे निचला परत भी कहते हैं वो, इससे निकलने वाला लोहा तो लोहा की अधिकता होता है, इसमें क्या वो लोहा की अधिकता होता है, इस परत का घनत्व बहुत सबसे अधिक रहता है, वो नीचे सबसे अधिक रहेगा, सबसे अधिक रहता है वो। स्विक्स के अनुसार से सियाल का घनत्व 2.5 किलो प्रति मीटर स्क्वायर है, सीमा के घनत्व 4 किलो प्रति सेकंड, निफा का घनत्व इतना लिखा देंगे, घनत्व जो है लिखा कर आराम से पढ़ा देंगे, ठीक है, इसका रेंज बताइए, लिखाए होंगे ना, इसका रेंज 2000 से 6 कर सकते हैं, 2000 से 6000 हजार, 2000 से 6000 हजार, नहीं तो इसका रेंज अभी मापा नहीं गया, क्लियर। अभी ये तीन को समझ में आ गया, अभी हम बताते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट फिगर देखिएगा, पहला क्या आया था, वो सियाल आया था, सियार आया था, जिसको जो पूछेंगे बोलिएगा, ठीक है, सियाल वो ये अम्लीय रूप से कैसा है, वो ये रासायनिक रूप से क्या है, अम्लीय है, ठोस रूप में क्या, वो कोई दिक्कत, इसमें क्या पाया जाता है अधिकता, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, दूसरा क्या पढ़ा है, वो सीमा, सीमा कोई दिक्कत, इसमें क्या है वो क्षारीय रूप से, वो क्षारीय है, रासायनिक रूप से क्या है वो, और वो प्लास्टिक, अर्ध तरल, मैग्मा, अर्ध तरल किसे कहते हैं पढ़ाएंगे, इसी में क्या है वो मैग्मा आया और अर्ध तरल आया, और क्या वो प्लास्टिक भी आया, क्या वो, और सबसे नीचे में लोहा आया था, इतना रेंज में क्या है वो लोहा, और सबसे कठोर है, सबसे घना तो इसका अधिक है, कोई दिक्कत, सिलिकॉन, सिलिकॉन कैसा आई, एल्युमिनियम, एल, मैग्नीज के बोलिए, मैग्नीशियम बोलिए, मैग्नीज, मैग्नीज के, मैग्नीज है, मैग्नीज बोले, एन आई से निकेल लोहा, सॉरी निकेल होता है, आई एफ से लोहा, क्या सारे के सारे जिसमें जो चीप आया था लिख दिए, यहां तक लिख लिया, अब देखिए, अब आप लोग लिखिए, ठीक है, आप लोग को जो लिखा रहे हैं वो लिखते जाइए, भूगर्भ विज्ञान देखे डेस्ट दीजिए, रेडी मारिए, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है, पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है, अप्रत्यक्ष रूप समझते हो, ठीक है, मतलब दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, तो दिक्कत 100% श्योर नहीं है, लेकिन देती है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है, पॉइंट बना के लेते जाइएगा, पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या बढ़ता है वो, तापमान और घनत्व दोनों बढ़ता है, जिससे कि वो 15-32 मीटर की गहराई हम लोग अंदर गए, कितना मीटर का घनत्व बढ़ेगा, चाहे कितना मीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एक, ठीक है, 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है, 32 डिग्री सॉरी 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री का तापमान में वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्विक्स ने दिया था, दिए थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्विक्स ने दिए थे, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, बांटे थे, उन्होंने पृथ्वी को
तीन भागों में बांटा। नंबर एक में लिखिए सियाल, नंबर एक में लिखिए सियाल, नंबर दो में लिखिए सीमा, नंबर तीन में लिखिए निफे, नंबर तीन में निफे। कोई दिक्कत? चलिए पहला क्या था, सियाल लेके भेज दीजिए। कोई दिक्कत? यह पृथ्वी के सबसे बाहरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का तक गहरा है, यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। यह भी सेक्स के अनुसार से हम बता रहे हैं, ठीक है। और रासायनिक रूप से यह अम्लीय है, और यह रासायनिक रूप से अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है, इसी पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। इसमें ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता है, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर की है, अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। गहराई कितना है? 29 किलोमीटर। अब बताइए सीमा में किसी को कुछ पूछना है? सीमा में किसी से आप लोग को तकलीफ है, या अभी तक ने जो लिखा है उसमें से कुछ शब्द में या किसी बातों में तकलीफ है कहिए, सारे क्लियर कर दिया जाएगा। नहीं तकलीफ है तो दूसरा लिख रह दीजिए। सीमा या पृथ्वी का मध्य भाग है, मध्य परत लिखिएगा, या पृथ्वी की मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम, इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय है, और यह रासायनिक रूप से क्षारीय है। रासायनिक रूप से क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है, ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई, इनकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। वो दिक्कत यहां तक ले। दिक्कत थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा बात? तो देखिए अब तुम लोग को ज्वालामुखी आ गया बात, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं। जब चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को क्लियर कर लिया जाएगा, आप लोगों से पढ़ाया भी है। हेलो, लेट हो गया होगा। अच्छा ठीक है, हम जब तभी ले रहे हैं क्लास, क्लास देख के भेजते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप हम देखते हैं। बोल दीजिए नहीं है। अब दूसरा निफा दीजिए,
बोल दीजिए नहीं है। निफा देखे रह दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में वो, या पृथ्वी की आंतरिक तरल है और या तरल अवस्था में, या पृथ्वी की आंतरिक परत है जो तरल अवस्था में है, कोई दिक्कत? इसमें निकेल और लोहा की अधिकता होती है, इसमें निकेल और लोहा की अधिकता होती है। सबसे अधिक घनिकता इसी से होती है, सबसे घना तो किसका अधिक होता है बहु, इसी को होता है निफे के। कोई दिक्कत याद रखने, कोई दिक्कत है तीनों में? चलिए आप थोड़ा सा घना तो देख लेते, ठीक है? तो बेट इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? आ जाइए, अब घना तो हो सकता है कुछ, हम बातें पॉइंट में लिखा दे। देखिए बहू लिखिए, लिखते जाइए, सब पॉइंट पे डाल के लिखते जाइए। स्वेक्स के अनुसार से सियाल का घनत्व, स्वेक्स के अनुसार सियाल का घनत्व लिखिए। ठीक है, सीमा का घनत्व, निफा का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व बताया लगभग में, स्पेक्स में सही बताया, बाकी सब का सब क्या किया गलत है, क्या है? तो थाक बोल दीजिए नहीं मिला, नहीं स्वेक्स जो है पृथ्वी का घनत्व जो लगभग बताया 5.5, ये बिल्कुल सही बताया। अब बाकी परत के घनत्व जितना भी बताया है सारे के सारे अमान, मैंने गलत बताया, समझा गया? तो दिक्कत। अब स्वेक्स की अवधारणा को करते हुए भूगोल वेताओं ने नई अवधारणा दिया जिसके तहत पृथ्वी को तीन भागों में बांटा। अब ये एक नया और आया और बोला कि जितना भी स्वेक्स बताया सबके सब क्या किया, गलत बताया। अब ये जो आ रहा है वो दूसरा वैज्ञानिक, नए भूगोल वेता जिसे होता है न्यू साइंटिस्ट, ठीक है? आप लोग को कोई बात रहेगा क्लियर देम कर लीजिएगा। आज हमारा थोड़ा सा तबियत ठीक लग रहा भी है, नहीं भी लग रहा है, मतलब बीच बीच में है, मन कर रहा हंस ले, मन कर रहा है पढ़ा ले, ठीक से पढ़ा पा रहे हैं है ना, हंस पा रहे हैं। करिए कुछ हो जाए, पृथ्वी इधर से उधर पलट जा रही है, खसने रुक बताइए, एकदम चलते रहे, कोन ईंधन है पता नहीं, बाबू चलते रहना चाहिए, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहिया खत्म होगा पता है? अरे होगा, खाले सास ससुर मिले दख नहा देने वाला खत्म हो जाएगा। अब नई भूगोल बेताओ ने आया पृथ्वी कितने भागों में बांट दिया, मोबाइल तुम यहां रख दो, ठीक है? देखिए पहला भाग कौन था, क्रस्ट, की बोलते क्रस्ट के? दूसरा तीसरा
कोई दिक्कत? चलिए आप सुनिए, वो क्रस्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं? भूपट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपट्टी। लेकिन हम लोग तो भूपट्टी बोलते डायरेक्टली। डायरेक्टली इंसान कुछ होना चाहिए, इंसान इतना सब सीख गया। मदर्स के मोम, अब मोम में मो लगा दो, हल्का जोड़ दो मोमो, समझा? कहां से कहां की कर दिया। डैडी बोलते थे इंग्लिश में, डैड, ड, ड, प, ये सब समझा, मजाक बना दिया शब्द के। अब यो भी जो गांव ग्राम में जाते हैं, पिताजी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, ये सब लैंग्वेज है। बाहर में ड, अरे ड आगे की औसन के एकदम बिल्कुल हमरा पहुंचा दे, एकदम सबका लैंग्वेज बाय डिसी बाई लैंग्वेज कर देता हूँ। जे बोल रहे हैं वो बोली बाई लैंग्वेज। हम लोग क्या है, दिखावा में बोलते, पूरा बोलते हैं। ब्रदर के जे कर दिया ब्रो, ये हमरा और पागल बना दिया। लेकिन एक नाम से कहीं मजाक नहीं हुआ, याद रखना भाई। वो एक नाम पावरफुल हमको लगता है, मजाक से मुका को नहीं छेड़ सकता है, ठीक है? चलिए भूपट्टी देखिये भैया, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है वो प्राकृतिक में हम लिए वो। देखिए वो सबसे बाहरी परत है वो प्राकृतिक रूप से कैसा है वो? अम्लीय। वो दिक्कत वो महाद्वीप तथा महासागर इसी पे है वो। अभी उसको मिटा दिए, दोनों पार को दिखा देंगे, ठीक है? महासागर और महाद्वीप किस पे वो? क्रस्ट भूपट्टी पर है। कोई दिक्कत? अब भूपट्टी की मोटाई महाद्वीप या महासागर के निचले अलग अलग की होती है। वो भूपट्टी के मोटाई लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटों के विवर्तनीकरण पढ़ाएंगे। प्लेट के विवर्तनीकरण, दो प्लेट आपस में टकराता है, पहाड़ समुद्र कहाँ प्लेट ज्यादा होता नहीं होता, सुनामी उनामी कैसे आता है, सारा पढ़ाएंगे। तो सारा मोटाई चौड़ाई अलग होता है। जैसे मान लीजिए सलोनी क्या है, गुनगुन क्या है, यह देखो रिया क्या है, दीपा क्या है, सोंटी कैसी होगी, तो सबका विवर्तनी प्लेट, ठीक है? वैसे ना सबका अलग अलग होगा ना दायरा, उसी प्रकार से सबका मोटाई चौड़ाई अलग होगा, समझ में आया? ठीक है, ये अम्लीय रूप से कैसी है वो, मैंने प्राकृतिक रूप से कैसी है? अम्लीय है। इसमें जो विवर्तनीकरण होगा प्लेटो या महाद्वीप महासागर की मोटाई चौड़ाई अलग अलग होती है। कोई भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों या महासागर के नीचे अलग अलग होती है। महासागर के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। माने बहु महासागर के नीचे क्या बहु? महासागर के नीचे 5 किलोमीटर होती है। कितना होती बहु? महासागर के ऊपर बहु 30 किलोमीटर। माने बहु नीचे कितना बहु? 5 किलोमीटर और ऊपर बहु कौन है उठाइए ना। हेलो क्या, ठीक है? तीसरे पृथ्वी की कुल आयतन का मात्र 1% है वो। पृथ्वी का कुल का आयतन का कितना परसेंट है? 1% है, मात्र 1%। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर समझ आ गया? समुद्र के नीचे तक ली गहराई कितनी है? 5 किलोमीटर तक ली। समुद्र के ऊपर बहु 30 किलोमीटर में। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को बता दे, हम सारे सारे लिखाएंगे, अभी आप लोग नहीं लिखिए, सारे सारे बात हम लिखा देते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल आप लोग समझिए, अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो कहिए, ठीक है? ये हम रिवाइज करा रहे हैं आप लोग, ठीक है? ये सारे सारे हम पढ़ाए हैं, ठीक है? अभी देखिए आप लोग जितना से इतना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? अभी देखिए हम टेस्ट लेंगे आप लोग को, आपसे कैसे लेंगे? प्रत्येक बच्चा से हम 10 रुपये लेंगे टेस्ट के लिए, उसको किसी एक दिन टेस्ट ले लेंगे, देखेंगे स्टूडेंट हमारा ज्यादा कस्टिमेट हो गया। फर्स्ट प्राइज 1000 रुपया, सेकेंड प्राइज 500, थर्ड प्राइज 200, एक मेडल एक कप सबको देंगे। जो टेस्ट से पैसा आएगा वो सबको देंगे। इससे क्या होगा, छोटा बच्चा जो आया पिछला क्लास में वो सबको मन बहलेगा, नहीं ठीक बात है, पैसा जा रहा है, पैसा आ भी रहा है, बस किसके पास आ रहा है पता नहीं चलेगा, लेकिन आएगा तो जरूर पैसा उसी पास आएगा, ठीक है? तो नीचे वो 5 किलोमीटर तक ले, ऊपर वो तीस। यहाँ समझ ले महासागर है, वो महासागर के नीचे कितना रेंज? 5 किलोमीटर। ऊपर वो 30 किलोमीटर। कुल पृथ्वी का कितना परसेंट बहु? 1% है बहु। प्राकृतिक रूप से कैसी है बहु? आइए बहु बाहरी परत है बहु। कोई दिक्कत यहां तक ले? भूपट्टी गया। कोई दिक्कत बहु? जिसे बहु लिथोस्फीयर भी कहते बहु। इस परत को क्या कहते बहु? लिथोस्फीयर भी कहते बहु। इसका औसत घनत्व कितना है बहु? 2.7। घनत्व कितना है बहु? 2.7 बहु। इसे दो भागों में बांटते बहु, क्रस्ट सॉरी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट। इसको बोलते हैं ऊपरी भूपट्टी या निचली भूपट्टी। ऊपरी भूपट्टी कितना? 30। निचली भूपट्टी कितना? 5।
माने इसे कितना भाग में बांटते क्रस्ट को? दो, निचली भूपट्टी ऊपरी भूपट्टी, क्योंकि सब महासागर के नीचे भी महासागर के ऊपर भी। कोई दिक्कत बहु? ऊपरी क्रस्ट अम्लीय होता तो निचली पर वो क्रस्ट बहुत क्षारीय होता, ऊपर अम्लीय नीचे क्षारीय क्षारीय, जैसे कि हम लोग पढ़े थे अभी उसमें, ऊपर अम्लीय था जस्ट आया था वो मध्यवर्ती भाग तो अम्लीय क्षारीय था, ऊपरी भाग अम्लीय निचली भाग क्षारीय, कोई दिक्कत? ऊपरी भाग अम्लीय निचली भाग क्षारीय होता है, कोई दिक्कत? वो यहां तक में किसी तकलीफ है? कहिए दूसरा रेंज क्या पढ़ाए थे वो? मेंटल, क्या बो? कोई दिक्कत? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भू प्रवाह, कोई दिक्कत? भू प्रवाह। अभी हम लोग लेसन का नाम क्या पढ़ रहे हैं? भूगर्भ विज्ञान। अब वो मेंटल हो या पृथ्वी के बीच वाला पर्व होता है वो, जो अर्ध तरल होता है, अर्ध तरल किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? बहुत अच्छा से बताए थे, ना द्रव जैसा पानी ऐसा हो, ना बहु पूरा ठोस की अवस्था में हो, बहु अर्ध तरल बहु, जिस तरह आप रोटी सान के बनाते हैं, शादी होता है करवा चौथ के बाद के मार के मुंह का लाल करते, वो भी अर्ध तरल कर देते हैं। समझते हैं? एगो के तो वीडियो में भेजा था हम तरी, लक्ष्मी जी थी कल वीडियो में दिखा रहे थे, लक्ष्मी जी की पूजा होता है तो उल्लू साइड हो गया, ठीक है बहु, लक्ष्मी पूजा के पहले 11 दिन किसका पूजा होता है? लक्ष्मी पूजा होता है, उल्लू उल्लू को पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा के 11 दिन के पहले कौन पूजा होता पता है तुम लोग को? करवा चौथ। समझ में आया? बेचारा हम लोग कहीं दर्जा नहीं दिया गया, लड़का लोग कहीं दर्जे नहीं दिया गया। पूजा में कोई लड़का समान बता जो लड़का के लिए किया गया होगा, पूजा से लेके अर्चना तक ले, झोली से झप्पड़ तक ले, सब लड़की लोग के, खाली घंटा जो था हम लोग के नाम पर रखा गया, बाकी कोई हम लोग के नाम पर नहीं, घंटा कुछ हम लोग को नहीं मिलता है इस समय, ठीक है? घंटियर है तो वह पुरुष के संबोधित है, बाकी सब मंदिर में लेडी से संबोधित है, ये हम हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ अब बजाती तो है ना, हम लोग तो शांत खड़ा रहते हैं, ठीक है हम लोग। हाँ तो ये समझ आ गया बहु पूरा क्लियर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है? अगला बात यह मेंटल बहु, मेंटल बहु मध्यवर्ती है, क्या वो मध्य भाग है? क्या कोई दिक्कत? कैसे आप क्षारिय की अम्लीय है, कोई दिक्कत? अर्थार्थ बहु प्लास्टिक के समान होता है वो, ये अर्ध तरल के रूप में, क्या वो अर्ध तरल क्या प्लास्टिक के अर्थार्थ प्लास्टिक के समान होता है, कोई दिक्कत? वो ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी तरह से निकलता है, ये तो स्वेच्छ से बताया था वो, मध्य से भी ज्वालामुखी निकलता है इससे, वो कोई दिक्कत? इसे वो निम्न गति मंडल भी कहते हैं, क्या वो? ए निम्न गति, ये निम्न हल्का सा गति भी करता है, क्या होता है वो? गति। अब बोलेगा भैया अर्ध तरल अवस्था में तो गति कैसे करेगा? काहे नहीं करेगा भैया, दही देखे है वो भी तो अर्ध तरल है, वो भी तो छलक के बाहर आ जा सकता है। रावा देखे हैं, बिहार आ रहा है वो, बिहार है, बिहार में छठ पर्व आ रहा है, मजाक है छठ में कोई बोल दे कि पानी बर्बादी हो रहा है उसको घर में आग लगा देगा बिहारी, कोई नहीं बोल सकता। होली में बोल देगा बिहारी बर्दाश्त कर लेगा कि पोल्यूशन हो रहा है, बोलो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, दीपावली में बोल देगा वायु पोल्यूशन हो रहा है, मान लेंगे। अगर छठ में बोल दे कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो जिंदगी में रंग घोर देगा। बिहार के महापर्व होता है, यहाँ सब जगह सूर्य उगते समय पूजा होता है तो यहाँ डूबते समय भी पूजा होता है। जानते हैं नगर सरकार बेवकूफ है, नगर पालिका में पैसा बचाना चाहता है ना, तो खाली एक संविधान लागू कर दे कि लड़की लोग यूनिफॉर्म के जगह लहंगा पहन के आएगा, पूरा स्कूल सफा, पूरा गली मोहल्ला सफा, सब जगह सफा हो जाएगा। अब बस्ता हाथ में लाएगा, हाथ से बस्ता पकड़ो रोड घिसीते जाएगा, दड़ा 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 सब पोछा जाएगा, समझना है? नगर पालिका कम बच जाएगा। नहीं सही बोले रिया, रिया भी सोच रही कि अब हम भी पहन के आएंगे, कम से कम किसों तो साफ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बहुत मेंटल में चल रहे हैं, सुनिए बहु इसे क्या कहते हैं बहु? गति मंडल भी कहते हैं, जैसे कि डोलता हूं तभी तो होगा, कभी देखे दही हुए के छलकता है जिसको बोलते हैं, हमारी मम्मी कहती थी अदगद गगरी छलकत जाए, समझना इसका मतलब? आधा ज्ञान जो होता है ना पूरा नहीं बोलेंगे, ठीक है? आधा ज्ञान जो होता है बहुत नुकसानदायक करता है। अच्छा बताइए, एक घड़ा में एक सिक्का डाल दिए, ज्यादा हड़बड़ाएगा वो, और उसको पूरा सिक्का से भर दिए, वो हड़बड़े नहीं करेगा, उसी बोलते अदगद गगरी छलकत जाए, समझना? जब आधा गगरी रहेगा तो गिरते जाएगा, पानी छठ में नहीं आते, लोहंडा होता है नदी से लाते हैं, पनिया कम लीजिए ढक्कन नहीं रहे, देखिएगा छलकत जाएगा,
और हमने नहीं, अरे फंस गए एक बार हम छठ में ही, तुमको समझ पानी ला जाएगा। वहां क्या हुआ, भर क्या लगा लिए, बड़का हड़िया भर के दे दिया, नहा पीछ के हमें माथा पर लोड कर लिए, 100 मीटर गए, 200 मीटर में कहे हड़िया उतारो भाई पार नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे लगता है गर्दन के जो होता है ना एकदम एकदम गर्दन हड्डी लगता है यू बनल जा रहा है, नहीं उतारो उतारो। फिर मम्मी कल को जहां उतारा वो जैसे मारना चालू करेंगे मेरे भाई। तो इस सजा के मतलब जानते हैं, एक राजा था अपराधी पकड़ाया, उसको बोला ना इसको 100 कोड़ा मारा जाए, तो बोला राजा साहब कुछ और सजा दीजिए, तो बोला इसको 100 प्याज खिलाया जाए। वो बोला कौन खाएगा आ जाइए, तो अपराधी जो था बोला हम प्याज 100 खा लेंगे। हमारा एक दो खाया मुंह का नहरे लगा, कोड़ा मार दीजिए, 4-5 कोड़ा भी खाया, फिर कपड़ा चोट लगा कोड़ा से, तो प्याजे ठीक था भाई, फिर हमारा का 5-7-8 रुपये, फिर 10 रुपया खा गया। बोला ना ना अभी कान दिया धुआं निकले लगा, और बोला फिर कोड़ा मारिए। ऐसे करते करते उस 100 प्याज भी खा लिया और 100 कोड़ा भी खा लिया। इससे आप लोग क्या सीखे, जिंदगी में ऑप्शन नहीं आप लोग सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन के चलते आप लोग ने फंस गए। तो उसको सिर्फ एक ही चीज बोला जाता, 100 कोड़ा मार दीजिए, कोई तकलीफ नहीं था। अंतिम में तो आप प्याज भी खा गए जी, तो 100 प्याज ये खा जाते। आप ऑप्शन के सहारे लीजिएगा, भटकते रह जाइएगा, इसीलिए ऑप्शन मत खोजिए, जे मिल रहा है लीजिए, ठीक है। अब इस भाग को वो पायरोस्फीयर भी कहा जाता है वो, इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं वो, व्हाइट ऑफ द अर्थ। इसे देखिए पायरोस्फीयर भी कहते हैं, गति मंडल कहते हैं, व्हाइट अर्थ भी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं वो मेंटल भी बोलते हैं, इसे भू प्रवाह भी बोलते हैं। इसे कितने नाम हो गए, अब 4 के 5 नाम, भू प्रवाह, गति मंडल, पायरोस्फीयर, व्हाइट अर्थ, 4। कितने? 4। कोई दिक्कत? गति मंडल क्यों कहा गया है? चलिए बिल्कुल सही। और इस परत की गहराई कितना है वो, 900 मीटर तक में। कितना वो, इसकी तय है 900 मीटर तक में वो। ये पृथ्वी के सबसे बड़ा परत है, पृथ्वी के सबसे बड़ा परत को क्या कहते हैं वो, मेंटल कहते हैं, भूप्रवाह भी बोल सकते हैं, इसे व्हाइट अर्थ भी बोलता है। कोई दिक्कत? कोई नाम लेके एक टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत। और इसकी औसत घनत्व कितना है वो, 3.5 से लेके वो 5.5 तक में, 3.5 से लेके 5.5 तक में, कोई दिक्कत। अब वो यह पृथ्वी का कुल आयतन का 83% योगदान रखता है। कितना वो, 83% का योगदान रखता है। इसे वो दो भागों में बांटा गया, वो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसे भी वो दो कष्ट बांटा गया, वो ऊपरी मेंटल और निचली, कोई दिक्कत। ऊपरी भूपरवा और निचली भूपरवा, कोई दिक्कत। अब आते वो कोर, आते बो कोर। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। सबसे केंद्रीय का मतलब क्या होता है, सबसे निचली परत। क्या बो, सबसे निचली परत। तो कभी सोचे हैं आप लोग, कभी बोल प्रेनिया लोग कहता था कि ये पिछला रोटी खाया है तो इसके पीछे भूत जाता है, इससे कोई तो लॉजिक होगा। न्यूटन कौन रोटी खाया होगा रे, तू रोटी ने खाया होगा समझा, वो आटवे खा लिया होगा, पनिया पी लिया होगा, सब कुछ होकर अंदर तैयार हो गया, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबे पढ़ लिया होगा वो, ठीक है। चलिए बहु, हाँ या कोर बहु, ज्यादा न्यूटन के मजाक उड़ाइएगा तो हमको नष्ट हो जाएगा, समझ नहीं। न्यूटन के मजाक नहीं, आज जितना भी फिजिक्स में झेलना झेल रहे हैं न्यूटन लेके चलते ना, कि जरूरी था सेव मिला खा लेता आराम से, अगला हमने परेशान कर दिया, हमने चलिए गया, हमने झेले पड़ रहा है, सेव गिरा। हाँ अच्छा बताइए, आप लोग के सामने सेव गिरेगा, नाम लीजिएगा कि सेव गिरा, सेव गिरा आप तो मुंह में लीजिएगा। अगर नेहा नियन रहते एक बार में, एक बार सेव, अगर जहां कहा कि लोग गिर गया तो बनना घरे ले चल, नाम के लेगा क्या मटी नहीं का पेड़ उठा ले चले दी, ठीक है। अब आते क्या आते वो कोर, या पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है, इसका तापमान सबसे अधिक होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है वो, 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे कितना बढ़ जाएगा, एक घनत्व और ताप दोनों बढ़ेगा, कोई दिक्कत। यह गुरुत्वाकर्षण क्षमता के अधिक होने के कारण इसे बहुगोतीय मंडल भी कहते हैं। यहाँ वो ग्रेविटी का पावर सबसे अधिक होता है, क्या होता है वो, ग्रेविटी का पावर इसे अधिक होता है, इसे क्या कहते हैं वो, ग्रेविटी मंडल भी कह सकते हैं या गुरुत्वाकर्षण का मंडल भी कहते हैं, कोई दिक्कत। वो आता है या वो मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं वो, धात्विक मंडल। धात्विक मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोहा पाया जाता है। आ जाइए, क्या पाया जाता है वो, धात्विक मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक लोहा पाया जाता है वो। इसका वो परत का औसत घनत्व कितना है वो, 11 से 13। कितना वो, 11 से 13।
ठीक है बहु, या पृथ्वी का कुल आयतन का 16% है, कितना बहु 16% है बहु। अब सुनिएगा बहु, बेसिफियर भी कहते हैं, क्या बेरी स्फीयर भी, क्या कहते हैं बहु बेरी स्फीयर, गुरुत्वामंडल भी कहते हैं इसे बहु, ऐसे धात्विक मंडल भी कहते हैं बहु, ऐसे कोर भी कहते हैं, इसका भी कितने नाम बहु 4 नाम है, कोई दिक्कत बहु? चलिए अब यहां तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसियाल था पहला में, कैसा होता अम्लीय, और जल्दी जल्दी बोलिए, सीमा था, क्या था बहु, पीस या प्लास्टिक समझ आइएगा, अर्थल और मैग्मन बहु, और नीचे बहु निफे, ये बहुत तरल है, इधर क्या लिखे थे एस आई और ए एल्युमिनियम, एम एन मैग्नीज, एन आई सी निकेल, एफ से लोहा, ये तो इधर क्या बताए थे बहु, नई भूगोल वेताओं के अनुसार से बताइएगा, तो पहला कौन था बोलिए, क्रस्ट को भी दो भाग में बांटे थे, कैमरा में ऊपरी कक्ष को क्या बस सियाल बोलते थे वो, माने इसको बोलचाल का मतलब उसको सियाले ना है, ऊपरी कक्ष निचली कक्ष, देखो यू से अपर, सी से क्रस्ट, क्या बो सी से क्रस्ट, ए से वो क्या कैसा रूप होता है वो एसिड, क्या वो कोई दिक्कत, एल से लोअर माने निचली, कोई दिक्कत बो, और सी से क्रस्ट, अब बी से बो क्षार, क्या बो वे क्षार, कोई दिक्कत, अब फिर बो आइए, अब ये क्या होता वो मैग्मा सीमन है, इसका भी दू को बो अपर और लोअर, U से अपर, एम से मेंटल, अपर मेंटल, एल से लोअर मेंटल, कोई दिक्कत बहु, और नीचे बहु इसका भी निफे बहु, निफे इसको बहु अपर कोर, लोअर कोर, कोई दिक्कत बहु, दिक्कत ऐसा सारे सारे चेंज कर लीजिएगा, याद करने का सबसे तरीका इसी के यहाँ घनत्व लिख लीजिएगा, इसी के यहाँ रेंज लिख लीजिएगा, के क्या किया लिख लीजिएगा, ऐसा ही डायग्राम करते, ठीक है। अब देखिए बहु, इसको इस संकेत भेजेगा, इसको इसको मारेगा, ये ऊपर भेजेगा ऊपर आएगा, अभी सारे सारे जब ज्वालामुखी भूकंप ऐसा पढ़ाएंगे ना, तो ये सब फिर से आप लोग को रिवाइज करने के लिए आएगा, कोई दिक्कत। आप लोग क्या बोले थे बहु, स्विक्स की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोल वेताओं ने नोट डाउन, लिखिए हम बोले नोट डाउन कर पाएंगे, हम ठीक दिख रहे हैं जी, देखिए जब भी लड़की तारीफ नहीं करे समझिए लड़का तारीफ के लायक है। अरे कम से कम दूर तो नहीं सुने का, अपनी इज्जत अपन करेंगे जी, दुनिया करे चाहे नहीं करे, स्वेक्ष की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोल वेताओं ने नई अवधारणा दिया, क्या दिया वो नई अवधारणा दिया, और जिसके तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सिर्फ स्वेक्स जितना भी बात बताया सब सही था, घनत्व सारे के सारे गलत बताया था, रेंज सारे के सारे गलत बताया था, लेकिन एक चीज का रेंज घनत्व सही बताया था, पृथ्वी का 5.5 लगभग में सही बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक ले। चलिए पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, पहला कौन था बहु, क्रस्ट मेंटल कोर, कोई दिक्कत, 1 2 3 करके लिख लीजिए, आप लिख लिया, अगले
वो दिक्कत याद रख ले, तीनों का हिंदी आप लोग अपने से लिख लीजिए, लिख लिए क्रस्ट के क्या लिखे आप लोग लिखिए, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी बाहरी परत है। यह अम्लीय है, क्या है बहु? रासायनिक रूप से क्या है? अम्लीय है, सर बोल रहे अपना बॉयफ्रेंड के नाम ले रहे, सर मार का आ रहे हैं, जिसे अम्लीय बोल के सर मार रहे हैं आप लोग तो, जिसे हम है नहीं तो खिचड़ा कह रहे हैं, और पता कैसे कह लेना क्या मोटी सही बोले ना, बोलो सही बोले, तो सही बोले, अरे आप परामेंट मिल गया तब की बुढ़वा का आदमी। अगला की था जी, अरे उसी में लिखिए, यह अम्लीय वो महाद्वीप तथा महासागर इसी परत पे है। लिखो ना स्मित, तुम हंस रही है ऐसे कि तुम की बोले, चलो हमने कुछ बोलेंगे हम लिखाएंगे, लिखिए जी, महाद्वीप तथा महासागर इसी इसी पर स्थित है। पॉइंट पॉइंट देख लेते जाइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, भूपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागर के नीचे अलग अलग होती है, लिख ले, भूपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागर के नीचे अलग अलग होती है। हंसले घर बसा है बाई चांस, हम तुमको बात थोड़ी नहीं बोले, हो सकता उसी को बोले होंगे, हो सकता है रिया को भी बोले होंगे, हो सकता है किसी और को बोले होंगे, हो सकता है आनंद को भी बोले होंगे। हाँ तो क्लास में डजेंट बेटर क्या सबको बोले होंगे, टेबल आ गई देखिए स्वेक्से में चल रही है, तू बहन पड़ोसिया से लिख ले, ठीक है। अलग अलग होती है महासागर में, सॉरी महासागरों के नीचे, अगला पॉइंट, महासागरों के नीचे भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर तक ले, कितना होती है बहु? 5 किलोमीटर तक ले बहु, और ऊपर 30 किलोमीटर तक ले, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। महासागरों के नीचे और महाद्वीपों के नीचे 30 और 5, वो दिक्कत 30 और 5, क्लियर। महासागर और महाद्वीप लिखा याद रहे, महासागर में 5, महाद्वीप में 30, दोनों नीचे अलग अलग होती है, ठीक है। पृथ्वी का कुल आयतन कितना? 1%, लिखिए तो पृथ्वी का कुल आयतन का 1% इनका योगदान है, इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसे बड़ी हंस रही है, हाँ हंसने वाले गौर से सुनिए, समझ आया? फूस का घर जलते हुए देखने में जो मजा आ रहा है बहू, दूसरा भी घर है आगे की आगे, सब समझदार, हम आधा बात बोल दीजिए कि आधा समझ ये जाता, दे खाली बोल दो, ठीक है, हो गया जी। कुछ लिखे, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, इसका औसत घनत्व 2.7 GCMQ सेंटीमीटर की, लिख लिए 2.7। लक्ष्मी देख देख के हमको हंसा रही है, हम बोल रहे कि भैया गुनाह कुछ बोलिए ना इसको, हाँ हाँ दम दे देना, ठीक है 2.7 है। इसे दो भागों में बांटते हैं, वो इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, कोई दिक्कत दो? ऊपरी क्रस्ट अम्लीय और निचली क्रस्ट क्षारीय,
मेंटल हेडलाइनिंग मारी है, मेंटल। अम्लीय निचली क्रस्ट छा रही है। आनंद आज हमारा घर में कुटुंब आया, ठीक है, वो जान पहचान के आया, उसका लड़का दारू पीता है, हम हमसे काहे पूछ रहे, हम सच कहीं नहीं बोल दे, ठीक है, तो हम बोले हाँ पीता है, तो बोला हमसे पूछा पीता, कहे हाँ पीता है भाई, तो कह रहे कुटुंब आएगा तक ने बोला नहीं पीता, हम तो तुम्हारा घर देने के है, हम कह लिए भाई हमसे काहे पूछ रहा है, तो जैसे कि कुटुंबदारी में अक्सर देखे हैं, जैसे कि बाई चांस अभी जैसे कि आनंद का शादी नहीं हुआ, जैसे इसको प्रसाद देखने आएगा लड़का को, तो पूछेगा लड़का दारू पीता है, सब बोलेगा नहीं नहीं लड़का नहीं पीता है, शादी होकर ससुराल में जाएगा ना, साला जी पूछेगा कुछ लीजिएगा, आ साला जी नहीं पीता है, ससुरे जी कहता पूछिन जीजा कुछ पीते, ऐसे काहे होता है, वही था जब मम्मी से पूछ रहे थे, कल को हमरो समझ में नहीं आया, अरे वो तो फॉर्मेलिटी है, समझ में आया, दो चार पांच लाख दे के फंसा देता है एक लड़का के, समझ आया, बड़का बीमारी के साथ बांध देता है, समझ में आया, बोलता है कि ले पांच लाख आयो कैंसर लो, जिंदगी भर कचर पचर होते रहेगा तुम्हारा में, नहीं तिलक आप जानते हैं कि तिलक काहे दिया जाता है, एक लड़का को फंसाने के लिए। अच्छा बताइए के खोजता है पांच लाख ले जिंदगी भर खिचड़ पीछा करो, हाँ तो की कहती है बंगाली साहब वो पागल बेटा है, वो कहा शादी को करता है, वो लड़का ना है तो हमें तो कोई है, लड़का गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, ये होना चाहिए, मोटा, अरे एसएससी वाला यूपीएससी वाला, लड़की का अगर बिहार पुलिस मिल लो दरोगा पे रोक लो, बिहार पुलिस हटो, अगर बिहार पुलिस हुआ ऐसा अगर मिल गया हेड हेड पुलिस ऑफिसर ऐसा घटाओ, हेड मिल गया बीपीएससी वाला फिर आ गया, अरे तू हट, लड़की लोग यूपीएससी लेवल तक ले जा सकती है 1600 मारी करके, आ जाइए बोलेगा, अरे बाओ अभी भी हम बताते हैं 99% अच्छा अच्छा जॉब वाला भूमिन से शादी करके बैठल है, एक आगे एग्जाम्पल बता दे ज्योति मौर्या, आगे शादी की ठीक ठाक नूर लांगल जोड़े जैसी जॉब हुआ है टाटा काहे किया, एक आगो लड़का को बताओ, एक आगो लड़का को बताओ जो लड़की छोड़ दिया नौकरी मिलने के बाद, अरे नौकरी पावे लड़की पावे ले नौकरी कर रहा था कितना लड़का, समझ में आया, चलिए छोड़िए मेंटल लिखिए, या पृथ्वी की या पृथ्वी के बीच वाला परत है, लिख लिए जो अर्ध तरल है, बहु जो अर्ध तरल है, अर्ध तरल बता दिए किसे कहते हैं, अर्थार्थ बहु प्लास्टिक के समान है, अर्थार्थ प्लास्टिक के समान है। अगला पॉइंट, ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा, ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलती है, दीपा क्लास डिस्टर्ब करेंगे बाहर भगा देंगे, ठीक है निकलता है, इसे बहु निम्न गति का मंडल कहते, इसे निम्न गति का मंडल कहते, इन्हें की गति मंडल कहते, निम्न गति का मंडल हल्का फल्का गति करता है, एक किलो रावा लाइएगा एक टप में, रावा थोड़ी बाहर निकल जाएगा लेकिन हल्का फल्का एरिया जो है लेगा, समझ आया, जैसे कि रिया के अभी चार गो रोटी दो गो समोसा एगो बर्गर दो गो पिज्जा खिला के दौड़ाएंगे, ढका तो आइए जाएगा, निम्न तरल गति मंडल देख कर हो जाएगा, उतना हो जाएगा रिया उतना कैसे नहीं होगा, तो निहाक ले जाना, तब रे चार गो काजू कतली चार गो मलाई चार गो बर्गर बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा उतना निहाक थोड़ी ना होगा, हो गया क्यों कुछ लिखे बो, इसे निम्न गतिमंडल कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है, इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, और इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, और इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। देखिए बहु यहां से बाई चांस भूकंप निकला, देखिए इधर यहां से भूकंप निकला, लड़का लोग के एनर्जी देखिए कैसे खत्म होता है, लड़का लोग बाई चांस यहां से निकला यहां झलमला गया, यहां के यहां बीच में क्या है बहु अर्ध तरल है, यहां से निकलते 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 इसका क्या हो गया
स्पीड कम हो गया, यहां निकला मरहल मरने यहां आया, इसके ऊपर निकला, बुझे सर नहीं समझे? यहां से जितना अधिक निकलेगा यहां से, यहां सबसे बड़ा परत इसी को तो बोलते हैं सबसे बड़ा परत 900, समझा या मध्य परत जो सबसे बड़ा है यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, इसका स्पीड जो कम हो जाए। आप ही फील कीजिए ना, आप ही फील कीजिए। देखिए है उस पर कलम चलाइए, फंस जाएगा, लेकिन चलेगा तो जरूर चलेगा ना जी। कादा है, कादा उसमें आप दलदल में कूद जाइए, आप उसमें दौड़ पाइएगा, कहे दौड़ पाइएगा, वो अर्ध तरल है, उसमें आपका गति क्या हो जाएगा, भूकंप यहां से निकलता है यहां तक पहुंचे पहुंचे भूकंप के औकात ना पा जाता है, कितना तेजी। और ज्यादा निकलमा तने से फिर देख लेगा ही सियाल, आज ओकरो बाहर निकलेगा तनी मनी। एक ऐसा देश है हमारा जो उत्तरी इधर बिहार है, कोसी नदी जो बहुत तबाही मचे के रहता है, बिहार का शोक नदी कहलाता है, सरकार बोलता है ना बाढ़ रोक नहीं पा रहे, बट ट्राई नहीं किए आप। एक लड़का कलशेयर से लगे था कि 6 साल के प्यार हमको मिला नहीं, अरे भोमा 3 साल के बुतरू भाग के शादी कर ले रहा है, तू ही भाग के कर ले, काहे चिल्ला रही नहीं मिला, तू चाहवे नहीं किया मिलना, तुमसे पीछे भी तो आया था, नीदरलैंड समुन्दर के पानी रोक दिया, अब बिहार में नहीं रुक रहा है ये बाढ़। खान सर के वो हम देखे इंटरव्यू में, खान सर इंटरव्यू ले रहे थे ऑफिसर लोग के, अब वार्तालाप इंटरव्यू ने वार्तालाप बातचीत कर रहे थे, बोला सर पैसा नहीं मिल रहा, बाढ़ क्या समुन्दर तो बिहार भी रोक देगा। कहते हैं एक वो दीपक नाम के लड़का था, वो स्टेटस लगा रहा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, अंकित भैया देखे जा रहा 5 किलो चावल उठ भेजे, जेकर बहु राशन पानी कोट से चल रहा है ओकर की दबदबा बनल रहेगा, ओकर की हैसियत है, वो सबको आदमी लगाता है दबदबा, तब बताइए तो आप समझ सकते हैं। वो एक गुंडा ही करता जगह घर में 3 टाइम का अनाज सही से नहीं जुटता है, वो हाल जाने बिहारियन के सब बिहारी कुछ करता नहीं है, गुंडा ही जाए चलता है, कुछ औकात नहीं करने का, समझा या गुंडाई भाषा बात कर बिहारी के बिहार के बिहार लोग अच्छा होता है, यहाँ के भाषा गुंडाई वाला है, करता कुछ नहीं है, गुंडाई वाला भाषा की कर लेते देख लब, अरे भैया जे करेगा फिर देखे नहीं पाएगा, वही हाल है। तो इसका भी वही काम है, क्या वो इसका यहां से निकलता है भैया में जे होगा देख लेंगे, आओ 900 मीटर स्पीड में पूरा धीरे दल दल जैसा है, अर्धतरल है, स्पीड सारक तारक कम हो गया, अरे यहां से निकला कुछ भाग में, अगर बाहु 900 मीटर का रेंज नहीं रहता तो हम लोग के घर नहीं बना पड़ता, हेलीकॉप्टर पर रह पड़ता, आए चलो उड़ के चलो उन्हें होते रहा दिन भर। ठीक है अगला क्या है बहु, अभी क्या लिखा रहे थे बहु, अगला पॉइंट लिखिए, इस परत की गहराई 900 मीटर तक है बहु, इस परत की गहराई 900 मीटर तक ली है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है, इसका औसत घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 तक है। पृथ्वी का कुल आयतन का, पृथ्वी का कुल आयतन का 83% कितना बहु, पृथ्वी का कुल आयतन कितना परसेंट, 83% योगदान है। इसे बहु दो भाग में बांटते हैं, क्या बहु, इसे दो भागों में बांटते हैं बहु, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। चलिए यहां तक किसी तकलीफ, अभी इसको हम डिस्कस करके और पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, भूकंप कार्य पढ़ाएंगे ना कहां से कैसे की निकलता है सारा, कोर लिख के डाल दीजिए। कोड होता है हिंदी, लेकिन हम लोग पढ़ रहे कोड, समझ आया, हाँ में से जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं किनका किनका एम्बिशन है कि टीचर बने, कहा वो भी बच्चा चाहवे नहीं करता कोई टीचर बनना, टीचर बनना तन्नी मनी बड़ी बात है जी, जवानी में बुढ़ौती छा जाना टीचर बन जाना, हाँ डिसिप्लिन रहो आवारागिरी बंद,
दारू गुटखा खैनी बीड़ी सब बंद, भोजपुरी या गाना पर डांस नहीं कर सकते, पान नहीं खा सकते, पूल पे नहीं बैठ सकते, घूम नहीं सकते सही से, हाफ पैंट पहन के नहीं सकते, टी शर्ट नहीं मोड़ सकते, कलर खड़ा नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल लेकर काहे से जिंदगी चाहिए भाई, केकरा चाहिए से जिंदगी, के बनेगा टीचर, समझ में आया? अगर ये सब करेंगे टीचर है तो गुटखा खा रहा है, अरे भैया तोरा गुटखा की संबंध है, वहां अक्षय कुमार खा रहा है गुटखा, शाहरुख खान खा रहा है, वो सब हीरो खा रहा है, तो टीचर वे है, इसीलिए टीचर को बनने लगे खोज रहा, अब बन भी रहा तो मजबूरी में बन रहा, लड़की लमूठा कुछ बन जाएगी। देखिए यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है, रोड लेके दे दीजिए, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना, बजा देखिए तो ऐसा टाइम यह गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होता है, यहां गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक होता, यहां गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक होता, इसीलिए इसे गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं, इसीलिए इसे गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं, अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहा जाता है, अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 या पृथ्वी का कुल आयतन का 16% है, या पृथ्वी का कुल आयतन का 16% है। हाँ 16% है। आ जाइए, इस परत को बेरियोस्फीयर भी कहा जाता है और इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी ऊपरी और निचली, इसे बेरियोस्फीयर भी कहा जाता है, इसे दो भागे बांटते हैं, ऊपरी परत और निचली परत। असंबद्धता देख डैश दीजिए, असंबद्धता संबंध नहीं है, रिलेशनशिप अभी रीजनिंग चलाना चाहिए, रिलेशनशिप एनटीपीसी आ रहा है, सब भर दिए, ग्रेजुएशन लेवल भी आ रहा है, इंटर लेवल भी आ, दोनों भर दीजिए, एसएससी कांस्टेबल भी आ रहा है, सब भर दीजिए, एकागो तो नहीं ये लेंगे अभी खबर के, तो नहीं देख कर लगाओ कि झगड़ा होवेला फिर तो खाली बैठा दो तो नहीं कुछ नाच देनी, समझ में आया, दो चार सीट तो लेइए ले तो नहीं दूसरों को बाबू, अरे तो नहीं के रूप में पन्ना लेवल दे मेरे पंचो जा देवल जी भी ने ओकरा हरे उरे कर करो कभी आ नहीं रे, कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत जो न होते पता भी नहीं चलते, बाल बच्चा पीछे फेल कैसे हो आ रही, वो हर एक नाम लेगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए दोनों को, क्या बाद में नोट कीजिएगा, असंबद्धता थोड़ा सा हम देख लेते, ठीक है, असंबद्धता किसे कहते हैं, जहां दो प्लेट विवर्तनी करते हुए एक साथ आ जाए, क्या बहु, असंबद्धता कहलाते हैं, जैसे बहु एक लेडी दूसरी लेडी को देखना नहीं चाहेगी, ठीक है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगी, जैसे कि हम बताते हैं एक लड़का है, एक लड़का है, चार लड़की खड़ा है, बदसूरत लड़के को तारीफ कर दे, तुम क्या लग रही हो, वो चारों को ऐसा जलन होगा जैसे नमक चमड़ा कटल था नमक रगड़ दिया, सोचो खूबसूरत लड़के की तारीफ ना करो, अब बदसूरत लड़की जाके कर दो तारीफ, उसको देख फिर कैसा लगेगा, के हेलो सब पूछते कर तुम के था वो जो तुमको तारीफ करके निकल गया, समझाया, सही पूछता, पहले के लड़की लोग को जानते हैं डरते थे हम लोग कुछ बोले में,
बताते हैं कुआं इंटर विद्यालय, जब इंटर में लोग पढ़ते थे पानी भरने के लिए गए, वो 9th क्लास में थे, इंटर विद्यालय नाम था, 1998 उसका स्थापना हुआ। पानी भरने के लिए गए, ऊपर छिपकली गिरा, लड़की लोग चिल्ला मास्टर, और अंजन सर बहुत खूंखार मास्टर बहु, लड़की लोग चिल्लाई जानता था हमने ऐसी बदमाश है, लड़की से पूछो नहीं किया किधर के है किधर के नहीं है, रूम में ले जाके गदगदा दिया हमने घर के, पूरा मारा, मार पैना मार पैना, क्या हुआ सर क्या हुआ सर, अंतिम बोलता था वो लड़की कहा छेड़ा, अब मार तो देवे किया सर, कोई दिक्कत नहीं, ले सर एक बार लड़की बोल देगी सर, जितना मारे सर उतना और मारिएगा, हम लोग भला के बदमाश थे, इस सब मैटर में आते नहीं।